नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। जिले के रामपुर बघेलान तहसील में आए दिन समय समय पर भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की जाती रही है, लेकिन जिले की मुखिया का मुखबधिर बनकर बैठे रहना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। चाहे सरकारी जमीन में कब्जे को लेकर हो या बीपीएल में अपात्रों की रिश्वत लेकर लाभ पहुंचाने की बात हो, मामला सामने आने पर भी केवल कार्यवाही करने की बात सुनी जाती है और मामला शांत होते ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला मुख्यालय से सटे तपा हल्का में प्रकाश में आया है, जहां पर पदस्थ पटवारी रामकलेश त्रिपाठी द्वारा खुलेआम रिश्वतखोरी करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पटवारी के द्वारा आए दिन किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों द्वारा अपने अराजी का सीमांकन करने के लिए 2 वर्ष पूर्व आवेदन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक न सीमांकन हुआ न ही किसानों का अन्य कोई काम हो रहा है। हल्का पटवारी खुलेआम पैसे की मांग करते नजर आ रहे हैं। तपा हल्का पटवारी द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों को जहां हमारी शिकायत करनी हो कर दो, मैं किसी से नहीं डरता। यहां तक कि अगर किसानों को पटवारी प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ जाए तो प्रतिवेदन तक नहीं दिया जा रहा। ऐसे तानाशाही पटवारी का तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए। यदि 15 दिवस के अंदर तपा हल्का पटवारी रामकलेश त्रिपाठी का रामपुर बघेलान तहसील से किसी अन्य तहसील में स्थानांतरण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से तपा हल्का की जनता और किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से नरेंद्र मिश्रा, रत्नेश शुक्ला, लकी शर्मा, मुकेश त्रिपाठी, अनुज त्रिपाठी, राजू कचरे, घसेल मूढ़ा, विजय त्रिपाठी, गोकरण प्रसाद, ललन सिंह आदि लोग मौजूद। तपा हल्का पटवारी घूसखोर है, घूसखोर है। तपा हल्का पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कितना दम है तमन में तेरे, देख लिया हम देखेंगे। राज प्रशासन मुर्दाबाद।